हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देख लेते हैं कि इंटर इवेंट को कैसे जनरेट करेंगे, यानी इंटर की प्रेस हो तो एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स कैसे फोकस हो जाए। बड़ा आसान तरीका है ना। तो हम लोगों के पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग हर वक्त काम करते आते हैं। तो चलो हम लोग vb.net का वो जो है उसको कर ले रहे, बना हुआ है उसी पर बस काम कर लेंगे। ठीक है, इस कोड को सेव कर दिया हमने। अभी ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही कर देते हैं। किसके ऊपर? रन करा के इसको पहले चेक कर ले रहे हैं, जरा देखेंगे आप लोग इसको। मैं इंटर कुमार रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखे, मेरा हाथ खाली है और अभी मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं कोड को लिखता हूँ और वे जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा क्या हो जाएगा? तो तरीका क्या है कि ये नेम टेक्स्ट बॉक्स में जब तक कर्सर ब्लिंक करे और उस पर जब मैं इंटर हिट करूँ तो किसके पास चला जाए? फादर नेम के पास। तो फोकस कराना है, एक बार फोकस को लॉस्ट कराना है, एक बार फोकस को कराना है। तो फोकस अभी किसको कर रहा है? नेम को। तो नेम को फोकस ना करा के फोकस किसको करा देना है? हम फादर्स नेम को, जब भी इंटर प्रेस हो जाए। तो अब ये रीड करना है हमें कि इंटर प्रेस हुआ कि नहीं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, इसके कोड में चलते हैं। कोड में गया, अब किसके ऊपर इंटर प्रेस चेक करना है? नेम पे। तो नेम टेक्स्ट बॉक्स हमने नाम दिया था सबका, देखो नेम टेक्स्ट बॉक्स आ गया, नेम टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड है। और दूसरा हमें इवेंट सेलेक्ट करना है इधर से। तो हमें हमारे पास की डाउन, कौन सा की डाउन? जब उस पर कोई की क्या हो? डाउन हो, नीचे जाए। देखो एक इवेंट जनरेट हो गया यहाँ पे, एक पब्लिक नाम का एक फंक्शन बना है जिसके अंदर नेम टेक्स्ट बॉक्स पे क्या हुआ है? की डाउन हुआ है। तो की डाउन हुआ है तो क्या हो जाए? इफ ई डॉट की कोड, ई डॉट की कोड, ई डॉट की कोड, ये ही चेक करता है कि क्या काम हो। तो ये जो है एक वेरिएबल इवेंट्स का, कि ये बताता है कि कौन सा की, ये इसके थ्रू की कोड हम चेक करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो है इसके जरिए हमने ई डॉट की कोड करा है ना। तो अब मुझे ये चेक करना है कि इक्वल टू कौन सा की प्रेस हो रहा है। आप चाहे तो इंटर पे ही नहीं, कोई और पे भी कर सकते। तो हमें कौन सा किस पे करना है? इंटर पे। इस पे देखो बहुत सारा लिस्ट है और ये आ गया इंटर। कौन सा? इंटर। अच्छा मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ कि इंटर हो रहा है। तो मैं एक MSG बॉक्स लूँगा और मैं बोलूँगा यू प्रेस्ड क्या? इंटर। आपने क्या प्रेस किया है? इंटर। ये चेक करता हूँ अगर इस इफ के अंदर में ये मैसेज शो कर रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पे, यानी कि इसके ऊपर मैं जब भी इंटर प्रेस करूँ, इसका नाम देख ले कि क्या है, इसका नाम देखे वो आप लोग को क्लियर ही होगा ये सब कॉन्सेप्ट। तो इस पर जब भी मैं इंटर प्रेस करूँगा, जितनी दफ़ा इंटर प्रेस करूँगा उतनी दफ़ा वो मैसेज अपीयर होना चाहिए। इसका मतलब हम समझ रहे हैं इंटर की को रीड कर रहा है। इसको सेव कर लिया और रन कराना है अब अपने को। मैं बिना कुछ लिखे पहले इंटर को प्रेस करता हूँ। मैसेज अपीयर हुआ, हो गया। देखे अभी भी कर्सर स्टिल उसी में ब्लिंक कर रहा है। फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देख हो रहा है। फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखे, और बोलिए कि टैप प्रेस करो नीचे चला जाएगा, बट वो मैसेज आया नहीं आया है ना। तो अभी हमें क्या करना है? फादर पे भेज देना है। किसको? कर्सर को। कर्सर को किधर भेजना है? फादर पे। तो हम लोग फादर पे भेजने के लिए क्या करते, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में हमें कर्सर को भेजना कराता था तो हम क्या कराते थे? फोकस डॉट फोकस मेथड के मदद से भेजते थे। तो यहाँ पे भी किस मेथड का यूज करेंगे? फंक्शन का, डॉट फोकस। आए जरा, ये जो मैसेज मैं यहाँ पे अपीयर करा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस मैसेज की जरूरत हमें नहीं है। हमें कहाँ फोकस कराना है?
किस पे, फादर्स पे, तो मैं फादर्स लिखता हूँ या फादर फादर नेम टेक्स्ट बुक्स आ गया, देखो यहाँ पे अपीयर हो रहा है डॉट, क्या डॉट। अब जब मैं इंटर मारूंगा कहाँ चला जाएगा, चेक कर लूँ। यस, कुछ भी नहीं किया मैंने, सीधा देखो सीधा इधर इंटर प्रेस करूँगा, चला गया। वापस से ले चलता हूँ मैं, कुछ भी लिखा एंटर, देखो जा रहा है क्या। अच्छा, अब फादर से कहाँ जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या करेंगे? फादर पे पहले इंटर का की जनरेट करेंगे इवेंट, और फिर भेज किस देंगे, चलिए चेक करते हैं। अभी फादर पे इंटर मारा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी फादर पे इंटर मारे तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए, तो देखो जरा कैसे करेंगे। गया, इस फादर पे करना है, तो मुझे फिर फादर को सेलेक्ट करना होगा, किसको सेलेक्ट किया उस पर भी क्या करना होगा कि डाउन, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसी कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट, और फोकस किसको करना है, ईमेल, हो गया, कुछ भी नया नहीं। अब फोकस कर देगा, देखो ये हमारे यहाँ है हमारे, हो रहा है, कोई परेशानी, डन, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। तो आप अपने अब एप्लीकेशन में ये सारा चीज़ इनबिल्ट कर लेंगे, ओके, कर लेंगे, वैलिडेशन भी लगाएंगे, चेक्स भी लगाएंगे, एरर प्रोवाइडर भी लगाएंगे, इंटर इवेंट भी जनरेट करेंगे, है ना। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा तो आप लोग कर पाएंगे, वैसे भी तो कुछ नहीं है, आप बस कर्सर को वहाँ कर, बटन से नहीं यार, वापस नहीं जाता कोई, ऊपर से भरते आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा ना, ऊपर ऊपर भी चाहे तो सेम तरीका, फिर तो फिर इंटर करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर इंटर मारोगे तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा ना। तो उसके लिए आपको कर लें, आपको कर लें, डाउन को कर लें, हो सकता है आप दूसरे की को यूज़ कर लें। ऊपर करना है तो एरो हेड का अप, नीचे करना है एरो हेड का डाउन, बड़ा आसान है, वहाँ पे दिख रहा है ना, जैसा दिल करे, नहीं तो अप करने के लिए यू, डाउन करने के लिए डी। मैंने कीज डॉट इंटर किया है, आप कीज डॉट यू कर दे, डी कर दे, आपको जिधर फोकस कराना है करा दे, कौन मना किया है, कोई मना किया है, बुरा मान जाएगा, नहीं मानेगा, तो आप कर सकते हैं इजीली, ओके ओके फाइन। अच्छा, अभी यहाँ हमने देखना यह है हम लोगों को अभी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटर दिया है, टैब भी काम करेगा जैसे कर रहा था, देखे टैब दिख रहा है, दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं, फिर से कर्सर ऊपर दिया, इंटर भी काम कर रहा है, टैब कुछ लिखा इंटर मारा, कुछ लिखा इंटर मारा, इस तरह से, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ करना है, अब मैंने दो पे करके दिया है, आप अपना तीन चार जितना पे करना है आप कर, ना इवेंट्स यहाँ पे होता है टैब में, वहाँ पे टैब का फीचर दिया इसलिए हम टैब कर रहे हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।